अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 141। और आज के इस लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक बेसिक लेआउट लेआउट ऑफ बाईसाइकिल टायर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड एंड टर्मिनोलॉजी। आज के इस लेसन में हम मुख्तलिफ किस्म कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए एक बाईसाइकिल टायर का कुछ लेआउट डिज़ाइन करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कंप्लीट एक टायर बना लेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा और उसमें मैं फिर काम करूँगा। तो मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ यहाँ से और आपको डायमेंशंस बताता चलूँ जिस पे हमने काम करना है। तो वो डायमेंशंस भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में दी हुई है, क्योंकि पिक्चर फॉर्मेट में जब मैं देता हूँ तो मुझे ये रीडिंग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रीड नहीं होता, क्योंकि इसके पिक्सल सही नहीं होते। आप देखें तो ये मैंने कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं स्टेप्स के लिहाज से। फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन दी हुई ताकि आप इजीली इस पे काम कर सको। जब आप प्रैक्टिकली वर्क करो तो आपको आसानी हो ये काम करते हुए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने जो काम करना है वो ये काम करना है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप को ओपन करता हूँ और ऑटो कैड को ओपन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रही होगी जो मैंने काम किया, ये सारा कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं न्यू ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखें तो हमारे पास एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले जो लाइन है यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है तो वो है जी आपके पास 50, सॉरी वो है 3.75। हमारे पास लाइन है 3.75, तो आप लाइन दें, एल एंटर करें, एल एंटर, कितनी है जी, F8 प्रेस करें, स्ट्रेट लाइन के लिए F8 प्रेस करता हूँ। और कितनी है जी हमारे पास 3.75, 3.75 एंटर। ओके, अब यहाँ से टॉप पे जाएं, टॉप की कितनी लाइन है जी, यहाँ पे टॉप है जो आपके पास, यहाँ पे लाइन जो है 3.75 है। और मैंने यहाँ पे टॉप लाइन नहीं दी हुई, टॉप जो लाइन है ये वन, आई थिंक वन है, 3.75 वन, टॉप की लाइन जो ये वन है, एंटर करता हूँ वन, बल्कि नहीं है। मैं यहाँ से आपको उस ड्राइंग में ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो लाइन याद नहीं रहा, उसकी डायमेंशन लेनी, तो इस लाइन की डायमेंशन लेता हूँ। लीनियर डायमेंशन 1.65 है, 1.65। ओके, एल इंटर 1.65, सॉरी एल इंटर, यहाँ से 1.65 इंटर। और यहाँ पे नेक्स्ट है जो ये 0.30, 0.30 इंटर, और बॉटम में आई थिंक 2.50, 2.50। ओके, अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो आपका जो सर्कल होगा वो होगा 3 पॉइंट सर्कल, सॉरी आपका सर्कल होगा टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और इसको जो आपने डिस्टेंस देना है वो कौन कितना देना है जी, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ जी 0.50, 0.50 रेडियस जो है 0.50, एंटर कर लें। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है जी, आप देखें ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में देखें यूजिंग मतलब आपका जो है एक आर्क अपने ड्रॉ करनी है, मिरर रिवॉल्व कमांड अपने ड्रॉ करनी है सेकंड स्टेप में। मिरर कमांड, रिवॉल्व कमांड हमने ड्रॉ करनी है और इसको ट्रिम करना है यहाँ पे जिसके इससे। तो जो यहाँ से हमने जो रेडियस हम लेंगे सेकंड स्टेप में, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, आर्क जो लेंगे, आर्क का जो रेडियस लेंगे तो आर्क का 45 है, 45 हमने उसकी हाइट देनी है, 45 हाइट देनी है। तो यहाँ पे अपने वो काम करना है। इसके लिए आप यहाँ से आर्क लेंगे, कौन सी आर्क है, स्टार्ट डायरेक्शन आपके जो आर्क है वो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड टॉप की डायरेक्शन लेके इसको 45 एंटर कर दें।
इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, टी आर डबल इंटर, इसको डिलीट करेंगे, रिमूव इसको और इसको, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, आरपी ले ली, मिरर कमांड लेनी है, उसके बाद रिवॉल्व कमांड आपने यूज़ करनी है। तो मिरर कमांड में लेता हूँ यहाँ से, एम आई एंटर, ये सारे के सारे को सिलेक्ट करूँगा स्पेस, और यहाँ से आपने मिरर करना है इसको। ओके, अब आपने क्या करनी है जी, रिवॉल्व कमांड यूज़ करनी है। तो रिवॉल्व कमांड के लिए आप करेंगे आर ई वी रिवॉल्व, या फिर आप यहाँ से भी जाकर रिवॉल्व पर क्लिक कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इस कॉर्नर से लेके यहाँ पे इस कॉर्नर तक आप इसको रिवॉल्व करके अपना 360 के यहाँ पे रिवॉल्व भी होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पहला और दूसरा स्टेप दोनों कंप्लीट हुए। थर्ड स्टेप में हमने एक और काम करना है, हमने एक और चीज़ ड्रॉ करनी है जो कि आपको इस तरह की शेप बनी हुई नज़र आ रही होगी। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप यहाँ से लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है जी, एक और यहाँ से लाइन लेनी है 1.90, फिर 1.90 एंड 1, यहाँ पे आप एल एंटर करेंगे, एल एंटर कितनी है जी 1.90, फिर बॉटम में 1, फिर 1.90, फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर लें। ओके, ये काम किया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दी हुई है वो है 1.80, तो आप यहाँ से 1.80 लाइन दें, एल एंटर, बॉटम में 1.80 एंटर। ओके, अब इसके कॉर्नर इसके साथ जोड़ते हैं, एल एंटर, इसके कॉर्नर इससे जोड़ते हैं, इसके कॉर्नर यहाँ पे इसके साथ जोड़ दें, सही है। अब यहाँ से अब ये तो हमारे बस एक और स्टेप भी कंप्लीट हो गया जी। अब नेक्स्ट में हमने यहाँ से ये काम करना है, ये काम करना है। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे दिया हुआ जी सर्कल आप लेंगे, उसका रेडियस कितना होगा, आर्क जो 3 पॉइंट आर्क होगी उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हमें डिटेल में इसने बताया हुआ है। तो कह रहा है नाउ ड्रॉ सर्कल 2.29.5 रेडियस, अलाइन द बोथ ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग स्वीप कमांड, नाउ यूज मेथड। अच्छा, यहाँ पे अब ये रेडियस दिया हुआ है, लेकिन इसका एक और काम जो है वो चीज़ नहीं दी हुई यहाँ से जो आर्क है, तो उस आर्क का भी रेडियस जो हमारे पास आर्क जो होगी वो भी होगी 29.5 ही होगी। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से दोबारा इसमें जाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे जहन से निकल गई जो मैंने इसमें डायमेंशन नहीं दी हुई। ओके, तो यहाँ पे इस आर्क के जो डायमेंशन है वो देखते हैं, इस आर्क की तो डायमेंशन की देखते हैं। सॉरी, इनवर्स भी जाते हो, डायमेंशन आर्क लेंथ है, रेडियस का देखते हैं कितने है। वन पॉइंट वन जीरो देखते हैं। आर यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास आर्क होगी जी, अब बस ओमे जाते हैं, और यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क जो होगी होगी स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड और एंगल देना है। स्टार्ट एंड रेडियस आई थिंक, और रेडियस कितना है जी इसका, जो मैंने चेक किया था वो था जी 1.10, 1.10। वन पॉइंट वन जीरो इंटर। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो, सही है। इसको भी डिलीट करें यहाँ से, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और वो भी टी टी आर है, 0.2 रेडियस देंगे उसको, टी टी आर और 0.2 रेडियस देंगे उसको, और ये जी टी टी आर यहाँ से यहाँ तक, और उसको रेडियस देंगे 0.2। ओके, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सी एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। और अब इसको ट्रिम कमांड से टी आर डबल इंटर करके
इन दोनों को भी ट्रिम करना है और यहाँ से ऊपर से इसको भी ट्रिम करना है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया है। ये देखें ये ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया। अब जो काम करना है वो क्या करना है जी, उसके लिए मैंने नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल से स्टेप 3 में। अब क्या हमने इसके बाद का स्टेप है उसमें क्या करना है, नाउ ड्रॉ सर्कल। सर्कल जो हम ड्रॉ करेंगे 29.5 रेडियस का होगा, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। राइट, टू एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, सी एंटर यहाँ से, और उसका रेडियस कहते हैं 29.9। 29.9 रेडियस होगा, 29.9 एंटर, बहुत बड़ा सर्कल है। इस दोनों को कॉपी करेंगे, सर्कल को यहाँ से मूव कर दें थोड़ा सा। ओके, सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया। और अब यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है अलाइन बोथ ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग स्वीप कमांड एंड नाउ यूज मटेरियल एंटायर। अब इसमें हमने क्या क्या काम करना है, ये काम करना है जी, हम इसके मिड पॉइंट से एक लाइन लेंगे, एल एंटर। ओके, इसको अब 3D में लेके जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को रीजन भी करना है, रीजन करने के लिए आप इसको पहले ज्वाइन करेंगे या फिर रीजन REG लिखेंगे, ज्वाइन पहले करें, जे एंटर स्पेस, इसको रियल इलास्टिक व्यू में लेके जाएं यहाँ से, और इसको रीजन करें, REG एंटर, ये रीजन हो गया। फिर आपने REG बल्कि रीजन अभी नहीं करते, इसको छोड़ें, कंट्रोल जेड, इसको आप यहाँ से कॉम मूव करना है, एम एंटर, इसको इसको इस कॉर्नर से उठाएं, उसको उठा के ना यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं। ये ले, एम इंटर, ट्वेंटी 29.9 के जो लाइन है, इस लाइन को भी हम यहाँ से एल इंटर करता हूँ, एल इंटर, तो लेंथ जो दूंगा 29.9 दूंगा, 29 कितना था जी, 29.5, 29.5 इंटर। अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया इसके साथ, और TR डबल इंटर, सी इंटर, 29.5 है, मैंने 9 दिया था पहले, 9.5 था, एल इंटर, 29.5 इंटर, मूव एम इंटर, सही। अब यहाँ पे देखें एडजस्ट हो गया। ओके, अब आपने यहाँ से इसके इसे रीजन कमांड अप्लाई करनी है, और रीजन के लिए REG एंटर, इसको सिलेक्ट करें, स्पेस, रीजन हो गया दोनों, देख सकते हैं। अब अपने जो काम करना है, F7 प्रेस करके मैं गाइडलाइंस को ख़त्म करता हूँ। अब जो काम करना है, अब उसमें यह है कि आपने इसको रोटेट करना है, 3D रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आप यहाँ से 3D रोटेट पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से स्पेस, और यहाँ से अपने जो एंगल लेना है वो आपने ये वाला लेना है, इसको आप देखिए मूव कर रहा हूँ मैं, तो इसको कितना करना है आपने, 90 रोटेशन देनी है, 90 एंटर, देखिए 90 पे रोटेट हो गए। अब यहाँ पे अपने स्वीप कमांड यूज़ करनी है, स्वीप कमांड, SWEEP स्वीप कमांड यूज़ करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा स्पेस, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, तो देखें कि टायर की शेप बन गई है। अब यहाँ पे अपने मटेरियल देना है, मटेरियल के लिए मटेरियल आप लिखेंगे, या फिर आप यहाँ से व्यूलाइज पे क्लिक करके अपने मटेरियल पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे अपने जो मटेरियल देना है वो देना है अपने रबर। तो आप बस ये आ गई रबर ब्लैक, और इसको सिलेक्ट करें, इसको उठाएं, उठा के यहाँ पे इसके ऊपर डाल दें। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेआउट हमारे पास बन गया जी टायर का, ये बेसिक लेआउट आप देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके मैं मूव करके बताता हूँ, देखें ज़रा बेसिक लेआउट आ गया जी टायर का, बाइसाइकिल टायर का। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और जो बाकी काम है वो करेंगे, और कंप्लीट साइकिल के टायर को हम डिज़ाइन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।